जनपद जालौन के माधोगढ़ रामपुरा में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव नियुक्त होने के बाद ब्रजेंद्र द्विवेदी ग्राम प्रधान बहादुरपुर का रामपुरा में आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आज विकास खंड रामपुरा के सभागार में लगभग आधा सैकड़ा ग्राम प्रधान एवं एक सैकड़ा क्षेत्रीय प्रतिष्ठित लोगों ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के नवनियुक्त प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र द्विवेदी ग्राम प्रधान बहादुरपुर का भव्य स्वागत किया, जिसमें प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अजय दीक्षित, ग्राम प्रधान बावली ने राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे जनपद के ऊर्जावान ग्राम प्रधान ब्रजेंद्र द्विवेदी पर विश्वास करके उन्हें संगठन का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर हमारे जनपद तथा रामपुरा विकास खंड को सम्मानित किया। प्रधान संघ के नवनियुक्त प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र द्विवेदी ने पंचायती राज व्यवस्था पर गोली दागते हुए कहा कि गांव की कठिन चुनाव प्रक्रिया से जूझते हुए बहुमत से जीतने वाला ग्राम प्रधान सरकार प्रशासन तथा ग्रामवासियों की दृष्टि से सबसे बड़ा चोर समझा जाता है, जबकि पंचायतों में कराए जाने वाले काम किसी अन्य विभाग के द्वारा कराए जाने वाले कामों की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं कम लागत से होते हैं। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सपरिवार सदस्य सहज उपलब्ध गांव का प्रधान अधिकारियों के द्वारा हेय की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वराज के सपने को ग्राम प्रधान ही पूरा करने का प्रयास करता है। संविधान संशोधन के 21 साल बीत जाने के बाद भी 29 विभागों को पंचायतों को पूर्ण रूप से नहीं सौंपा गया। यह इससे पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही है। श्री द्विवेदी जी ने कहा कि वह प्रधानों के सम्मान एवं उनके अधिकार के लिए स्थानीय स्तर से प्रदेश स्तर तक साथ देंगे। इस अवसर पर डॉक्टर जयवीर सिंह प्रधान झंकारी, लल्लू महाजन निनावली जा, राम कुमार जाजीपुरा, बालक राम चंद्रावली, रुद्रपाल सिंह आलमपुर, रामू यादव हितेमपुर, राहुल शेंगर पतराही, ब्रजेंद्र राठौर मानपुरा, महेश सिंह बिडौल, राजकुमार जाजीपुरा, नाथुराम नावर, रामपाल सिंह सेंगर, सुरेंद्र सिंह बहादुरपुर, राहुल सेंगर, धीरू सिंह सहित लगभग 2 सैकड़ा क्षेत्रीय प्रतिष्ठित लोगों ने ब्रजेंद्र द्विवेदी का ग्राम प्रधान के प्रदेश सचिव बनने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। हाँ जी, आज आप प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आप प्रधानों के लिए क्या दृष्टि डालना चाहते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी को कि उन्होंने हमें इस दायित्व लायक समझा। प्रदेश नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेंगे और गृह जनपद में प्रधानों के हित की जो समस्याएं आएंगी, जो सकारात्मक लड़ाई होगी, उसमें आगे बढ़ के भाग लेंगे और जो यहाँ की समस्याएं होगी उसको जाके प्रदेश में नेतृत्व को अवगत कराएंगे, प्रदेश स्तर पर रखेंगे। आगे चल के इस कार्यशैली के बारे में आपका आपकी क्या राय है? कार्यशैली मुखरता से, तत्परता से 24 घंटे प्रधानों की सेवा में लगे रहना। क्या कोई विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं आपने प्रधानों को? देखो, जो निर्देश हमें प्रदेश नेतृत्व से मिलेंगे और स्थानीय समस्या इस समय गाय गोवंश की चल रही है, उस पर हम लोग चाहते हैं कि ये जन आंदोलन में बदले, जन सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो, प्रधानों का उत्पीड़न ना हो गौशाला के नाम पर, सारे लोगों को अवगत कराया जाए कि सरकार अभी क्या कर रही है और प्रधानों की क्या मजबूरी है, क्यों ये सब नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है कि गौवंश मतलब गौमाता और अन्नदाता के बीच का जो तालमेल बिगड़ा हुआ है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग परिवर्तित करें। क्या शासनादेश की ओर से कोई विशेष निर्देश आया है? शासनादेश तो समय समय पर अलग अलग तरीके से आते रहते हैं, अभी कोई ऐसा नहीं आया है। अभी जो है जैसे नगरीय क्षेत्रों में तमाम फंड सरकार ने दिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वही 60-40 का रेशियो है, कोई अलग से फंड नहीं दिया गया गौशाला के लिए, चारे के लिए भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। तो हमारा मानना है कि जैसे स्वच्छ भारत में सरकार। जालौन से UP24 न्यूज के लिए मनोज सिवारे की रिपोर्ट।